हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बिना मान्यता वाले कॉलेज जो हैं उनके छात्राओं को भी मिलेगा स्नातक प्रोत्साहन राशि। कैसे आवेदन करना है ऑनलाइन, योजना का लाभ किस किस को मिलेगा, यह सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्नातक प्रोत्साहन योजना, शिक्षा विभाग का प्रस्ताव, कैबिनेट की अनुमति के बाद भेजी जाएगी राशि। बिना मान्यता वाले कॉलेजों से पास 45,000 छात्राओं को भी मिलेंगे 25,000 रुपये। बिना मान्यता प्राप्त कॉलेजों के पास लगभग 45,000 छात्राओं को भी स्नातक प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की अनुमति लेने के बाद इन छात्राओं को के खाते में 25,000 रुपये भेजे जाएंगे। मगध विश्वविद्यालय सहित राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों ने बिना संबद्धता लिए ही विद्यार्थियों को परीक्षा दिला दी थी। बाद में मामला हाईकोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि जब परीक्षा ले ली गई है तो रिजल्ट भी जारी कर दे। इस निर्णय को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का इसका लाभ, योजना का लाभ देने का प्रस्ताव दिया। मतलब कुछ ऐसा कॉलेज था जिसको मान्यता नहीं था, फिर भी वो एग्ज़ाम दिलवा दिया गया, तो फिर उसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि रिजल्ट भी देने के लिए, तो अब वैसे स्टूडेंट को भी ये जो 25,000 है स्नातक प्रोत्साहन राशि वो मिलेगा। स्नातक पास हर छात्रा के खाते में मुख्यालय से सीधे 25,000 रुपये भेजे जाते। इस साल 2020-21 के योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2019-20 में भी 200 करोड़ इस मद में थे। 2018-19 में 300 करोड़ का प्रावधान था। इधर राजभवन और शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय और कॉलेज कार्यालय खोलकर छात्राओं के सर्टिफिकेट की जांच का आदेश दिया है। अब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन होगा। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 78,656 छात्राओं के खाते में 196.64 करोड़ भेजे जा चुके हैं। योजना के लिए शिक्षा विभाग 15 जुलाई 2019 से ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। 25 अप्रैल 2018 के बाद स्नातक पास छात्रा पोर्टल यहाँ दिया गया है, वेबसाइट देखिए, यहाँ पे इस पर आवेदन करना है, ठीक है, इस पे जाके आपको आवेदन करना है। यहाँ पे पोर्टल है। जांच में विश्वविद्यालय को बताना होता है कि छात्रा ने उस विश्वविद्यालय के किस कॉलेज से पढ़ाई की है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद राशि भेज जाती है, और किस कॉलेज से आप पढ़ाई किए हैं बताना पड़ता है। उसके बाद फिर जांच का जब रिपोर्ट आता है उसके बाद राशि भेजी जाती है। और योजना का लाभ सभी को, किस किस को मिलेगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सामान्य, व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के साथ ही इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय और नालंदा ओपन विश्वविद्यालय सहित पत्राचार पाठ्यक्रम से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को भी 25,000 देने का प्रावधान किया गया। मतलब चाहे किसी भी तरह का पाठ्यक्रम हो, व्यावसायिक हो, तकनीकी हो, या जो ओपन यूनिवर्सिटी से लोग करता है वो हो, सबको 25,000 रुपये देने का प्रावधान है। अरबी फारसी विश्वविद्यालय से आलमी और संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थानों से शास्त्री की जो डिग्री होती है उसको भी मिलेगा। और आलिम ए होता है, फारसी, अरबी, ये सबको, मतलब जितना भी डिग्री कोर्स होता है सबको 25,000 रुपया मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।